अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले अब हम GS1 की बात करेंगे कि GS1 को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स में बात करूंगा। सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट एरियाज एंड सोर्सेज, देन मैं नोट मेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, देन आई विल टॉक अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटजी राइटिंग एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने काफी ध्यान में रखे, जिसके वजह से जो मेरे मार्क्स थे वो ज्यादा हुए GS1 में, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो सब्जेक्ट एरियाज की बात करते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट एरियाज में सबसे पहले जो है वो आपका हिस्ट्री आता है GS1 में, जो एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो वो हो गया पहले हिस्ट्री। सेकेंड सब्जेक्ट एरिया आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है पोस्ट इंडिपेंडेंस, फोर्थ है जियोग्राफी, देन देयर इज सोसाइटी, एंड उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इत्यादि वगैरह आ जाते हैं। तो ये ब्रॉडली GS1 का सोर्स एरिया है, मतलब जो सब्जेक्ट एरियाज हैं। अब इसके लिए मैंने सोर्सेज कौन कौन से फॉलो किए, ऑल्दो मैंने सोर्सेज तो जो अन अकेडमी के वीडियोज है यूट्यूब पे मैंने उसको मेंशन किया है, बट ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज मेंशन किए। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफर किया, मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने क्यों, मैं बताऊंगा आपको जब स्मार्ट कंपोनेंट आएगा वो। उसके बाद जो मैंने ज्योग्राफी थी उसके लिए NCERT फॉलो की थी फिजिकल वाली, और जो कोचिंग के नोट्स थे वो फॉलो किए थे। तो ये सोर्स हैं, ऑल्दो अगर आपको डिटेल्ड में सोर्सेज जानने हैं तो वो आप मेरा अनअकैडमी वाला यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ सोर्सेज मेंशन कर रखे हैं। अब बात करते हैं नोट मेकिंग की। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है मेंस के लिए, नोट मेकिंग इज एवरीथिंग। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वहां पर इश्यू हो जाएगा, क्योंकि नोट से क्या होगा, आपका जो नॉलेज है वो, जो भी मटेरियल आपने लिखा है वो समराइज हो जाएगा, और समराइज होने के बाद आपको याद करने में आसानी होगी और एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी होगी। सो नोट्स आपको जरूर बनाना है, लेकिन आप कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाने हैं GS1 में, आपको मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स नहीं बनाने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अगर आप बनाएंगे तो फिर वो पूरा स्पेक्ट्रम आपका छप जाएगा। करना यह है कि जिस तरीके से हम लोग प्रीलिम्स का मॉडर्न हिस्ट्री का बार बार रिवीजन करते हैं, उसी तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स नहीं बनाने हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको सोसाइटी के नोट्स जरूर बनाने हैं, आपको जियोग्राफी के नोट्स जरूर बनाने हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के उसके नोट्स बनाने हैं। तो नोट मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो मैं बहुत जल्दी ही अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, एज वेल एज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपने GS1 के नोट्स भी अपलोड करूंगा। बहुत लोग टेलीग्राम चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम। मैंने पिन कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल का नाम, तो उससे आप देख सकते हैं जो भी है। तो अब रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो रिवीजन में क्या करना है कि आपको जो भी आप इसके लिए नहीं बन रहे हैं का रिवाइज करना है। जब भी बनाए ना तो एक A4 शीट, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ये आपका A4 शीट हो गया, इस पे आप 1/3 स्पेस छोड़ दें। इस 1/3 स्पेस में आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। इस एरिया में आपको नोट्स बनाने हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इस स्पेस को क्यों खाली छोड़ रहे हैं। इस स्पेस को हम बाद में वैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने सोसाइटी के नोट्स तैयार कर लिए, फिर सोसाइटी के नोट्स में मान लीजिए कम्युनलिज्म का इशू पढ़ रहे हैं आप लोग, और आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स से कोई मतलब एग्जाम्पल मिल गया आपको, कोई राइट्स के एग्जाम्पल मिल गया, या फिर किसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कोई बहुत अच्छी बात कह दी, या फिर कोई बहुत अच्छा कोट मिल गया आपको, डेटा मिल गया, फैक्ट्स मिल गए, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ताकि जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स को तो आपकी पहली नजर जो है 1/3 एरिया, और फिर पहली नजर रिवाइज कर पाए। तो इसलिए आप 1/3 एरिया को छोड़ देंगे और यहाँ पे अपने सोसाइटी के नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाना है, तो जीएस के तो सिलेबस सबने देखे ही होंगे, यूपीएससी जो सिलेबस रिलीज करता है वो सबने देखे होंगे, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और फिर उसके हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाना है, जैसे कम्युनलिज्म एक टॉपिक है, सेकुलरिज्म टॉपिक है, उसके बाद देयर आर सेवरल अदर टॉपिक लाइक पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, उन सभी टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं फॉर मेंस। तो दैट इज ऑल अबाउट नोट मेकिंग, और मैं नोट्स बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा।
उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स बना लिए, उसके बाद आई रिवाइज्ड कि जब भी मुझे लगता था कि मुझे सोसाइटी का टेस्ट देना है तो उससे पहले उससे एक बार पहले मैं टेस्ट देने से एक बार पहले मैं नोट्स को रिवाइज कर लेता था, और बीच बीच में भी मैं रिविजन करते रहता था। तो कोई ऐसा मेरा प्लान शेड्यूल नहीं था, बट आप ट्राई करें कि नोट्स को 5 से 6 बार जरूर रिविजन करना है। आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग के लिए ऑल्दो आई विल शो माई आंसर लेटर स्लाइड्स में, बट द थिंग इज कि आंसर राइटिंग के लिए एक दो चीजें आपको ध्यान में यह रखनी है ना कि आपको आंसर राइटिंग तभी शुरू करना है जब आपने नोट्स बना लिए हो, जब आपने पढ़ाई कर ली हो। बिना नॉलेज के आंसर्स नहीं लिखने हैं। अब आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के टॉपर से। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मुझे भी नहीं पता था कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो उसमें क्या था कि मैंने जितने टॉपर्स के कॉपीज हैं गूगल पे अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल, सारे मैंने डाउनलोड किए। मैंने देखा कि टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं, फिर उस स्ट्रेटजी को मैंने अपने आंसर राइटिंग में मिलाया, और फिर ट्राई किया कि उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें टॉपर बनाता है, उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा जो उन्हें टॉपर बना रहा है। तो फिर उस स्ट्रेटजी को मैंने अडॉप्ट किया। तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा, नेट पे जाके जितने टॉपर्स कॉपी है सारे डाउनलोड करें और देखें कि उनमें ऐसा क्या है कि उनको वो जो आंसर स्टाइल है वो। सो अबाउट स्ट्रेटजी, डे वन से आंसर राइटिंग नहीं करनी है, नोट्स बनाए, रिवाइज करें, वैल्यू एडिशन करें और तब आंसर लिखें। अब लास्ट में एक्स्ट्रा रिवर्स लर्निंग अप्रोच क्या होता है फॉर प्रिपरेशन। अब रिवर्स लर्निंग अप्रोच में क्या है ना कि मान लीजिए कोई ऐसा एक छोटा टॉपिक आपका छूट गया सिलेबस में जिसके ऊपर आपके पास नोट्स नहीं है, तो जो आपके पास मॉक मॉक टेस्ट्स तो देंगे आप मेंस का, उसमें सॉल्यूशन होगा। अब मान लीजिए कि आपने वुमेन रिलेटेड इशूज के नोट्स नहीं बनाए, जल्दीबाजी में टाइम नहीं मिला, या मान लीजिए आपने सेकुलरिज्म के नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो छोटा टॉपिक है छूट जाता है, तो अब क्या करना है कि मॉक टेस्ट से उस क्वेश्चन का देखे सॉल्यूशन कहाँ है और सॉल्यूशन से आप पढ़ लें, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स लर्निंग, कि किसी क्वेश्चन के मान लीजिए सेकुलरिज्म पे कोई क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देख लिए, उसी को पढ़ लिए, उसी के नोट्स बना लिए, रेदर देन गोइंग इनटू द ओरिजिनल मटेरियल, जो ओरिजिनल बुक है, जो भी सोर्सेस है। तो वो होता है रिवर्स लर्निंग, वो भी आप कर सकते हैं उन टॉपिक्स के लिए जो टॉपिक आपका छूट रहा है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे। पहला था आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में, दूसरा था मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि 1920 के बाद किस तरीके से सोशल बेस वाइड हुआ, और तीसरा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था विच आई एम अनेबल टू रिकॉल, वो भी रिपीट हुआ था। तो तीन क्वेश्चन मुझे मोटा मोटी याद है कि वो रिपीट हुए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया था कि जीएस वन के जितने क्वेश्चन है, हाँ वो इंडो पैसिफिक जो पैसिफिक रिंग वाला जो क्वेश्चन है, वोल्केनो जो रहता है आपको रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक ओशन के ठीक ऊपर, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो जरूर आपको ध्यान होगा, तो उस वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ था। तो प्रीवियस ईयर का इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है रोल की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट होते ही होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस मैंने क्या किया था ना कि एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, उसके बाद जीएस वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक ले आए और जितने में और उसको पढ़ बना लिए। तीन क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए, मेरे मेरे खुशी का कोई अंदाजा नहीं था जब मैंने देखा कि अरे ये आंसर तो मैंने पहले से कर रखा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा जो पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको जरूर करना है। आफ्टर मेकिंग द नोट्स, आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, लो हैंगिंग फ्रूट्स आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जीएस वन में प्लीज डू नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा के बुक को बार बार रिवाइज करें, उसी से काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप नोट्स बना ले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीएस वन, जो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी उसके लिए सफिशियंट है। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान, T20 जैसे टेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें, अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।